पौड़ी में बीती रात एक कार के खाई में गिर जाने से कार में सवार दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं, जिनका उपचार जिला चिकित्सालय में चल रहा है। दरअसल बीती देर रात एक कार जगहेठी पिपल पानी के पास एक खाई में जा गिरी। पुलिस और एसडीआरएफ टीम को घटना की सूचना मिलते ही दोनों टीम मौके पर पहुंची और वाहन में सवार चारों लोगों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाए, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने दो लोगों को मृत घोषित कर दिया। वहीं दो घायलों का उपचार जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की निगरानी में किया जा रहा है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। डीआरएस गाड़ी आ रही थी और जगेठी और पीपल पानी के बीच में इनका वाहन अनियंत्रित हो गया, इसे काफी नीचे खाई में वाहन गिर गया। इसमें दो लोग जो है पुलिस टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया। पुलिस, फायर सर्विस और एसडीआरएफ, ये हमारी टीम गई आपदा प्रबंधन और रेस्क्यू करके इनको ऊपर लाया गया। दो लोग चोटिल थे, इनको जो है इलाज चला हॉस्पिटल में, तथा दो लोग जो है मृत घोषित कर दिए डॉक्टर ने।